हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 64,000 फॉर वन ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो हमें कंपाउंड करना है यहाँ पर क्या, क्वार्टरली, मतलब कि हमें वन ईयर को ब्रेक करना पड़ेगा फोर थ्री मंथ्स के पीरियड में, और हमें इच क्वार्टर का इंटरेस्ट निकाल करके ऐड करते जाना है, प्रिंसिपल बनाते जाना है और इंटरेस्ट निकालते जाना है। ठीक है, तो हमें निकालना है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हम पहले निकालेंगे वन क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद से सेकेंड क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का, फोर्थ क्वार्टर का, ऐसे निकालते रहेंगे सबका अलग अलग। लेकिन जब अलग अलग निकालेंगे तो प्रिंसिपल आपका अलग अलग चेंज होता रहेगा हर क्वार्टर में। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं उसमें बताया है आपको, ठीक वैसे इसको भी करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले लिख लेंगे इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम दिया हुआ है, मतलब एक साल का 10% दिया हुआ है। तो वन क्वार्टर का कितना हो जाएगा, तो वन क्वार्टर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मिल जाएगा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ क्वार्टर, तो ये हो जाएगा 10% होल अपॉन 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5/2%। तो हम अब निकालेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन क्वार्टर, या फिर लिख लेते हैं पहले यहां पर कि फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमें प्रिंसिपल क्या मिलेगा, तो जो दिया हुआ है वही होगा प्रिंसिपल 64,000। सो लिख लेंगे 64,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पर 5/2% लेना पड़ेगा क्योंकि एक क्वार्टर का आपको लेना है। सो हमने यहां पर फाइंड कर लिया था वन क्वार्टर का, और जो टाइम होगा वो तो वन ही होगा। क्यों वन होगा, क्योंकि एक वन फर्स्ट क्वार्टर का निकालना है आपको, तो फर्स्ट क्वार्टर मीन्स वन, यहाँ पर टाइम को समझिएगा वन होगा। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी होल अपॉन 100। सो प्रिंसिपल इज 64,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 इंटू वन होल अपॉन 100। सो यहाँ पर देखिए 2 जो है वो नीचे चला आएगा, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको 64,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, 2 जो है नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, अब यहाँ से 2 से कैंसिल होगा ये, तो 2 3 6, 2 2 4 10। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 0 5 2 10, 0 1 करी ओवर 5 3 15 एंड 16। मीन 1600 रुपीज ये आपका आ चुका है पहले फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट। सो फॉर द सेकेंड क्वार्टर, फॉर द सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर के लिए जो पी निकालेंगे प्रिंसिपल, आपका जो प्रीवियस जो प्रिंसिपल है उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, यही तो करते रहते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1600 जब ऐड करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है ये 5/2% लगेगा क्योंकि ये दिस इज द सेकेंड क्वार्टर, और टाइम जो है वन ही है क्योंकि ये सेकेंड क्वार्टर ही तो है, मतलब वन क्वार्टर ही है। सो सिंपल इंटरेस्ट इसको लू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, पी इंटू आर इंटू टी होल अपॉन 100 इज इक्वल टू, पी आपका यूज होगा यहाँ पर 65,600 मल्टीप्लाइड बाई रेट इज 5/2 1 होल अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 65600 इंटू 5 होल अपॉन 2 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, 20 कैंसिल आउट हो गए, अब ये 2 से कटेगा तो मिल जाएगा 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 8 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 8 40 04 एंड 5 10 14 4 1 करी ओवर एंड 5 3 15 116। तो 1640 रुपीज दिस इज इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड क्वार्टर। तो आप देख रहे हैं कि इच क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वार्टर में था 1600 रुपीज इंटरेस्ट, अब जो है सेकेंड क्वार्टर में बढ़ चुका है 1640। ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल बढ़ रहा है, दैट्स वाई। और इसी को बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, तो फॉर द थर्ड क्वार्टर यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, तो प्रीवियस प्रिंसिपल जो था यहाँ पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता ही है 5/2 ही रहेगा, एंड टाइम आपको पता ही है 1 रहेगा। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड क्वार्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज, जो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम ऐसे ही, तो ये हो जाएगा आपका
67,240 मल्टीप्लाइड बाई आर इज 5/200, ठीक है, 2 को हमने नीचे कर लिया है, सो इतना मिल जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये जो 0 है 5/4 जो 20 हो गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए बस इसमें 1681। सो दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड क्वार्टर। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में बढ़ चुका है, तो सेकंड क्वार्टर में था 1640, तो थर्ड क्वार्टर में हो चुका है 1681, ठीक है। अब निकालेंगे फोर्थ क्वार्टर, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ देखिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ चला आएगा। मीन्स इसको ले सकते हैं हम इस तरीके से भी, 689.21 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ले सकते हैं ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। सो इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो आपको मिल जाएगा 1723.025। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से पहले और 2 से डिवाइड करेंगे इतना मिलेगा। सो आप देख रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में भी इंटरेस्ट जो है बढ़ चुका है, तो यहाँ पर था 1681, अब हो चुका है 1723, ठीक है। अब इन सभी इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ऑन एडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द फोर क्वार्टर्स, वी विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, फॉर द ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर का हो गया 1600 प्लस 1640 प्लस 1681 प्लस 1723.025। ऑन एडिंग वी विल गेट 6,644.025। यहाँ पर देखिए थर्ड जो डिजिट है डेसिमल के थर्ड प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम राउंडिंग ऑफ कर लेंगे और इसको बना लेंगे केवल 2 डिजिट का, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 6644.03। क्योंकि हम 5 है, तो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं जब, तो उसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 0.03 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो होप समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।